सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे आते हैं? फर्स्ट क्लास। दीपक जौल, आप भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े एडिटर्स में से एक, सबसे नामचीन, सबसे बेहतरीन संपादकों में से एक, जिनके पास नई फिल्म आई है जनता दरबार एडिट के लिए। सर कैसी लगी फिल्म आपको अब तक? नमस्कार, मेरा नाम दीपक जौल है, एडिटर हूँ। सबसे बड़े एडिटर तो नहीं, हम लोग अच्छा काम करते हैं। और जसवंत जी की इससे पहले जो फिल्म किए थे हम लोगों ने, वांटेड, वो बड़े स्टार, बड़े पैमाने पे शूट किया था। और वैसे ही ये जनता दरबार फिल्म है। वो अगर आर्टिस्ट, एक्टर और स्टार की बात करें तो अगर वो अलग बात है, लेकिन उससे कम नहीं है फिल्म, ये बीसी होगी। आपने तो सर बड़ी बड़ी फिल्में एडिट की हैं, अगर मैं कहूं कि भोजपुरी के सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी फिल्में आपने ही एडिट की हैं, इनकी खुद सबसे बड़ी ही फिल्में आपने वांटेड जैसी एडिट की हैं, उन फिल्मों से ये फिल्म कैसी अलग लगी आपको? बेहतर लगी, उसी लेवल की लगी, उससे एक लेवल अप लगी? इसमें काफी खर्चा दिख रहा है, प्रोडक्शन वैल्यू दिख रहे हैं। अगर आउटडोर में शूट करते हैं, यूपी में शूट करते, यूपी में वाकई मतलब आउटडोर शूट किया है, यूपी दिखाया है। जो बहुत तर ज़्यादातर फिल्मों में ऐसा होता है कि आउटडोर में जाते हैं और इंडोर में कॉम्पैक्ट में शूट करते हैं, उस तरह का ये नहीं। काफ़ी क्राउडेड एरिया में भी, क्राउडेड जगह पे शूट किया हुआ है और खर्चीला फिल्म लगता है ये। जैसा जो लिबर्टी चाहिए एडिटर को, जो शॉट्स चाहिए, जो एंगल्स चाहिए, वो सब कुछ आपको मिले हैं फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी टेक्निकली फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, लोगों ने बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। मुझे लगता है ये अगर ये शूट अगर देखा जाएगा तो काफ़ी, दो फिल्म का जो मेहनत होता है वो दो फिल्म का मेहनत किया एक फिल्म में इन्होंने, जो काफ़ी अच्छी तरह से मतलब शूट वाइज, टेक्निकली, हर जगह, हर से मतलब कोई शिकायत, मस्त, बहुत अच्छा, मज़ा आएगा, मतलब मज़ा आ रहा है इस फिल्म में एडिट करते हुए। जसवंत जी, तब तो आप समझ लीजिए दीपक जी ने तारीफ कर दी, मतलब सब कुछ ठीक है इस एंगल से, यहाँ से तो जी। सबसे पहले आप भाइयों को, मीडिया भाई को और दर्शक को मेरा प्रणाम, नमस्ते। अब देखिए दीपक सर हैं साथ में और इनको मैं बहुत मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि एक एज ए ब्रदर तो अलग चीज़ है, लेकिन ये एज ए टेक्निकल जो इनका काम है उससे मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इन्होंने हमारी फिल्म अभी लेटेस्ट जो है वांटेड फिल्म इन्होंने एडिट किया था, इसके पहले इन्होंने बहुत सारी फिल्में, सत्या वगैरह इन्होंने ही किया था, तो तभी से मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया और आज जनता दरबार लेके आया हूँ। सर को अगर मेरी फिल्म में इस तरह का रसेस इनको दिख रहा तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य जी, एकदम मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर सर ने कह दिया तो बहुत अच्छी बात है। हमने उस तरह का मेहनत किया था, लेकिन अच्छा यही लगता है जब जिनको नॉलेज हो और वो बताएँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। दीपक सर, कितना वक्त जाएगा फिल्म को तैयार होने में, क्योंकि आप लोगों ने पोस्ट प्रोडक्शन अभी शुरू किया है, तो मैं कब तक मानूं कि फिल्म तैयार हो जाएगी? नॉर्मली फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है 2-2.5 महीना तो लगता ही है, तो आज अभी तो अप्रैल स्टार्ट है, वो हम लोग मैं जून के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक हम लोग इसको कम्प्लीट कर पाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत मज़ा। हम लोग को जितना ज़्यादा शूट रहेगा उतना एनर्जी ज़्यादा मिलती है, विटामिन जो होते हैं वो इसी में होते हैं, जो ज़्यादा शूट मिले, ज़्यादा एडिट के लिए, ज़्यादा क्रिएशन होता है उसमें काम करने के लिए मज़ा आता है वो, और अपना एक क्रिएटिविटी दिखाने के लिए भी एक मौका मिलता है। हर फिल्मों में अलग अलग एंगल्स होते हैं, वो एंगल इस फिल्म में भी अपना एक एंगल मिलेगा। सर ये तो आपने एडिटर की नज़र से बताया है, बीइंग अ डायरेक्टर, क्योंकि आप टेक्निकली, आपको वो चीजें भी पता है, आपको उसके लिए भी काम कर चुके हैं, सर वो एक डायरेक्टर की नज़र से कैसी है फिल्म? बहुत अच्छा है, लोगों ने बहुत अच्छा शूट किया, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि लोगों ने इतनी मेहनत की है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2 फिल्मों की मेहनत एक फिल्म में किया है लोग, डे नाइट जो किया है, और ये लोग इतना लेके आए रशेश और इतना सीन्स है कि बस एक ही जगह पे शूट नहीं है ये, जो मतलब इनका जो सीन्स, बहुत सारे सीन्स है, मतलब स्क्रीन पे इनका जो है ना हाँ मेहनत, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये है इस फिल्म का खासियत।
जाने से पहले कुछ कहते हैं जी? बिल्कुल, यही कहना चाहता हूं कि अपने दर्शक भाइयों से कि देखिए, सर ने भी कहा है, दीपक सर ने, कि फिल्म का ग्राफ बहुत अच्छा शूट हुआ है और ये जितना इसमें पोस्ट प्रोडक्शन में भी जितना लगेगा हम अपनी जान लगा देंगे इसमें, कि बढ़िया से बढ़िया इसको जो है टेबल पे भी फिल्म तैयार किया जाए जो हमारे दर्शक भाइयों को पसंद आए। चूँकि इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं और फिल्म शूट भी बहुत अच्छी हुई है, तो वही उम्मीद करूंगा कि सरकार राज वांटेड जैसा जो है प्यार आशीर्वाद जनता दरबार को भी मिले। थैंक यू। थैंक यू।